AK-47 राइफल ने तीनों बनाया। इनका वजन कितना था AK-47 राइफल का, इससे कितने दूर व्यक्ति को आप मार सकते हैं, इसे बनाने के बाद कहां उपयोग अधिक किया जाने लगा, इन सभी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। गाइस, जो सबसे अधिक बंदूक यानी कि जो राइफल चलाया जाता है वो कौन सा राइफल है जो सबसे अधिक चलाया जाता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। AK-47 है जो सबसे अधिक राइफल चलाया जाता है। लेकिन आप लोग कहते होंगे कि AK-47 क्यों चलाया जाता है। जी हाँ, इसका पीछे यहाँ रीजन है कि AK-47 यानी कि जो बच्चे भी हैं वो भी चला सकते हैं, जो अनजान व्यक्ति है वो भी AK-47 चला सकते हैं। इसलिए AK-47 को सबसे अधिक हथियार उपयोग किया जाने वाला, दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है। गाइस, जो AK-47 राइफल है उसका निर्माण कौन व्यक्ति किया है, उनका क्या नाम है, वह किस अवस्था में, जैसे कि उनका नाम है मिखाइल क्लास निकाबे उनका नाम है, जो कि 21 साल का अवस्था में यानी कि मात्र 21 साल के ही अवस्था में वहाँ AK-47 राइफल को निकाल दिए, जो कि 1947 ईस्वी में AK-47 का निर्माण कर चुके, जो कि एक रूसी सैनिक थे उनका नाम भी। गाइस, जब AK-47 जो राइफल बना वह किन कारण से बना, यानी कि जो आविष्कारक थे वह क्या सोच के बनाए थे, मिखाइल कासनिकोव जब वहाँ बच्चे थे तो वह सोचा करते थे कि जैसे कि कोई खेती गृहस्थी करते थे तो सोचा करता था कि बचपन से कि खेती यानी कि खेती बाड़ी करने में जो जानवर सब आते हैं और परेशान करते हैं उनको मारने के लिए कोई हथियार बनाया जाए जो कि दूर से ही मारा जा सके। तो वहाँ उसने उनका सोच जाकर AK-47 यानी कि AK-47 राइफल को वहाँ आविष्कार किए। गाइस, जो AK-47 यानी कि AK-47 जो बंदूक है, राइफल है, उसका पूरा फुल फॉर्म नाम क्या है, आप जानकर चौंक जाएंगे। ओ माय गॉड, किसी आविष्कारक के नाम पर है। जी हाँ, ऑटोमेटिक उनका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक क्लासनिकोव 47, जो कि स्वचालित क्लासनिकोव मिखाइल यानी कि 1947 में यह हुआ था, जिसके कारण वह AK-47 नाम पड़ा, 47। गाइस, जो AK-47 बंदूक यानी कि राइफल जो बनाया गया उसका उपयोग कहां पर किया जाने लगा, यानी कि प्रथम बार उसका उपयोग कहां किया जाने लगा। जी हाँ, जो रूस यानी कि रूस के जो सैनिक थे वहां पर उनका उपयोग किया जाने लगा, जो कि अंटार्कटिक में यानी कि बर्फीली जगह पर वहाँ रहते थे, जिनके कारण उन्हें देखने में यानी कि उन्हें बंदूक चलाने में अधिक सुविधा था, इसलिए वह राइफल को वहाँ पर अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा रूस के सैनिकों के द्वारा। इसी पर वीडियो के लिए गाइस, जो आजकल इतना यानी कि AK-47 जो राइफल है बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन कभी आपने अनुमान लगाए हुए हैं कि AK-47 से कितने व्यक्ति का हत्या होता है, यानी कि एक AK-47 आविष्कार होने के कारण बंदूक राइफल कितने हत्या होता है, इससे लगभग यानी कि 2.5 लाख है, 2.5 लाख लोगों को जान हत्या किया जाता है AK-47 राइफल से, जो कि बहुत अधिक मात्रा में। केवल AK-47 जो राइफल था उनका यानी कि पहले क्या कहे जाने वाले थे और अभी क्या कहे जाते हैं, AK-47 जो राइफल है उसको अभी कहा जाता है कि एक हथियार, जो कि जानलेवा हथियार उसे कहा जाता है। लेकिन पहले ज़माने में इसे कहा जाता था कि जैसे कि तलवार, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं जो तलवार रखते थे उसी प्रकार के अभी कहा जाता है कि एक एक यहाँ आदमी के सुरक्षा के लिए कहा जाए या मारने के लिए एक तलवार के रूप में इसे। गाय, जो AK-47 राइफल था उसमें क्या गुण था, क्या गुण था, लेकिन उसमें गुण यह था कि जैसे कि उसमें गुण था कि ऑटोमेटिक गोली जाएगा और सेमी ऑटोमेटिक का अर्थ होता है कि आप जितने यानी कि एक गोली अगर चाह रहे हैं उससे चलाना तो एक ही गोली जाएगा, और ऑटोमेटिक का अर्थ हुआ कि आप सारे के सारे गोली एक बार जो ट्रैक जो घोड़ा होता है बंदूक का उससे आप दबाए रहेंगे सारा का सारा गोली निकल जाएगा इसमें यही। लेकिन AK-47 जो राइफल था उसका क्या लंबाई था, क्या वजन था, आप जानकर चौंक जाएंगे। ओ माय गॉड, इतने बड़े ही राइफल क्या दुनिया को पूरा हिला दिया। जी हाँ, उसका फीट है मात्र 3 फीट का, AK-47 राइफल होता है मात्र 3 फीट का, और इसका वजन की अगर बात किया जाए तो वजन मात्र यानी कि 4 kg ही वजन होता है, जो कि सबसे अधिक लोकप्रिय AK-47 ही राइफल माने जाने लगा, जो कि बहुत अच्छे ही लगा। AK-47 जो राइफल था बहुत लोकप्रिय हो गया, बहुत अच्छे राइफल में कहने गिने जाने लगा, जिसको सैनिकों में इसका उपयोग किया जाने लगा। बहुत यानी कि बहुत कम ही समय में AK-47 राइफल वह बहुत लोगों को लोकप्रिय, अच्छा यानी कि जो सैनिक
ही समय में ए के 47 राइफल वह बहुत लोगों को लोकप्रिय, अच्छा यानी कि जो सैनिक था उसको अच्छा लगने लगा, जिसका एक मिनट के अंतर्गत 600 गोलियों को आप चला सकते हैं, एक मिनट के अंतर्गत मात्र, यानी कि कहा जाए तो एक सेकेंड में 10 गोली को आप एक सेकेंड गिने ही तब तक कि 10 गोली निकल गया। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें।